हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के सामने आई है, बहुत ही बड़ी। अगर ये वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो बहुत ही ज्यादा मिस करोगे ये इस वीडियो को, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसमें csbc.bihar.nic.in का सबसे बड़ा यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका एग्जाम रिटर्न एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है, ये जो 20 तारीख को होने वाला था, मानता हूं कि फ्रेंड्स 12 तारीख को बहुत सारे बच्चे नीतीश कुमार को हाय हाय बोल रहे थे, और मैं भी खुद नीतीश कुमार को हाय हाय बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे को यहाँ पर परेशानी झेलनी पड़ी थी, बहुत सारे बच्चे को, ठीक है ना। ऐसे नहीं, सिर्फ 5 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया था 12 जनवरी को, और जितने भी कैंडिडेट्स बचे हुए हैं वो जो कि 20 जनवरी को एग्जाम देने वाले थे, सभी का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है। डेट चेंज होगी ये गारंटी है फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा चुका है। मैंने इस पीडीएफ को डाउनलोड कर रखा हूँ, इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती सरदार पटेल भवन, सारे के सारे डिटेल्स आपको इस नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएंगे। विज्ञापन संख्या 2/2019 से संबंधित लिखित परीक्षा स्थगित किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 2/2019 से संबंधित बिहार पुलिस संगठन में सिपाही के पद पर भर्ती हेतु दिनांक 20/1/2020 को निर्धारित दोनों पालियों की लिखित परीक्षा अपरिहार्य कारणवश स्थगित की जाती है। उक्त तो लिखित परीक्षा की नई तिथि, जो नई तिथि है उसकी सूचना जो है अलग से प्रकाशित की जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो डेट नेक्स्ट जो बनेगा, नेक्स्ट जो डेट आएगा उसका भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, तो वो भी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो, बहुत सिंपल सा स्क्रीनशॉट आप मार सकते हो। स्क्रीनशॉट मारने के बाद जो है ना, लेटेस्ट जो जानकारी आपको मिल जाएगी वो कि ये मिलेगी कि जो बच्चे 20 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं वो अब एग्जाम उनको देने की जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो डेट है, नई डेट अनाउंस की जाएगी बिहार पुलिस कांस्टेबल की। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होंगे, और फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ, टेंशन की कोई भी बात नहीं है, मैं साथ हूँ, हमेशा साथ रहूंगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन हमारे चैनल द्वारा कराए जा रहे हैं, बस उसको डिटेल्ड में पढ़ते रहिएगा, ताकि आपको जो भी जानकारी मिले सबसे पहले मिल जाए। और फ्रेंड्स, सभी की सभी वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, तो वहां से उसको डाउनलोड कर लेना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई लोग। अगर आप इस बात से सहमत हो कि आप अगर 12 जनवरी का पेपर अगर स्थगित कराना चाहते हो, उसका डेट भी पोस्टपोन कराना चाहते हो, उसका भी जो है ना एग्जाम डेट कैंसिल कराना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए नीतीश कुमार हाय हाय, क्योंकि यहाँ पर सभी को पता है फ्रेंड्स कि जो मुख्यमंत्री है, बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने बहुत ही गलती किया है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जाते हैं एग्जाम देने के लिए, छोटा सा जॉब लेने के लिए जब जाते हैं कोई भी एग्जाम का, हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार में प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी एग्जाम देने जाओ ना, तो वो क्वेश्चन पेपर, अभी हाल फिलहाल की बात करूँ, होमगार्ड ड्राइवर का भी जो है ना पेपर लीक हो जा रहा है। देखिए कोई भी एग्जाम हो रहा है वो लीक हो जाता है, क्यों लीक हो रहा है वहां पर देखिए, जो है ना आयोग द्वारा कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, क्यों? क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री अच्छे नहीं हैं, मुख्यमंत्री अच्छे ना होने के कारण ये कार्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो सभी को पता है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए, ताकि जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सबसे पहले इस वीडियो को देखें, और क्योंकि यहाँ पर जो 20 तारीख का एग्ज़ाम होने वाला है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, नेक्स्ट डेट आएगी, नेक्स्ट डेट में आपको एग्ज़ाम देने जाना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।